फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी से लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी मैंने कहा पूरा जूलॉजी का क्या है बेस है, मतलब आपको जब सारे सिस्टम स्टडी कर लेते हो तो बहुत सारी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और हमारे लॉजिक क्लियर होते हैं। ऐसे ही प्लांट फिजियोलॉजी भी होता है कि वो इम्पॉर्टेंट तो है ही है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ से, प्लस बॉटनी का क्या होता है बेस होता है। तो मैं सबसे पहले यही दो यूनिट स्टडी कराता हूँ, एक एनिमल फिजियोलॉजी और एक प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमें वन बाय वन करके स्टडी करना है। जैसे हम पहला स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइनलॉजी, जो हम बचपन से एंडोक्राइन सिस्टम स्टडी करते आ रहे हैं। देन पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्लियर। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एस्क्रेटरी सिस्टम, बोलो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका लोकोमोशन एंड मस्कुलर एंड लोकोमोशन सिस्टम, जिसके अंदर हम मसल और बोन्स की बात करते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर। तो ये हमारे सारे सिस्टम रहेंगे। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं केमिकल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन, जिसको हम बचपन से एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। ये जो नाम है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, क्लियर, कि जिसको हम बचपन से एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं वही एक्चुअली क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल बातें पता होनी चाहिए, 10-15 मिनट पहले इधर ध्यान देना। मैंने कहा हमें पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, तो आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनका कंट्रोल, बोलो, एक तो होता है नर्वस सिस्टम से, एक होता है, बोलो, एंडोक्राइन सिस्टम से। तो इसका मतलब ये दोनों सिस्टम मिलकर के हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो बहुत सी बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को इंक्लूडिंग क्या कहते हैं, क्लियर, दैट इज कॉल्ड इंटेग्रेटिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटेग्रेटिव सिस्टम। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या बता रहा हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम, क्लियर, बोलो, प्लस नर्वस सिस्टम, क्लियर, तो इनको इंक्लूडिंग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिव, ठीक है, सिस्टम, ओके, इंटीग्रेटिव सिस्टम इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हमें पहले क्या स्टडी करना है ये, फिर क्या करना है ये, इसका एक्शन एज कंपेयर टू दिस वन फास्ट होता है, क्लियर। तो इसकी अपनी स्टडी है, इसकी अपनी स्टडी है। अब आपको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बोलो, मैंने कहा स्टडी, ठीक है, ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, बोलो क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी, क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। जब किसी के पीछे लॉजी आ जाता है इट मीन्स इसकी बहुत बड़ी ब्रांच है। आज के टाइम आपको पता होना चाहिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर भी होते हैं, क्लियर, जो स्पेशली जिसको भी डायबिटीज़ है, जिसको भी थायराइड प्रॉब्लम है, बोलो हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनको ट्रीट करते हैं, क्लियर, जिसका मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी क्या होती है, ब्रांच होती है एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो अब आपको जब मैंने लॉजी बता दिया तो उसका फादर भी होगा, क्लियर, फादर ऑफ, अगर मैं बात करूँ एंडोक्राइनो लॉजी तो कौन है, थॉमस एडिसन, कौन है, बोलो, थॉमस एडिसन, क्लियर। अभी हम बिल्कुल जनरल बातें कर रहे हैं, कौन है, थॉमस एडिसन, क्लियर, ओके। और अगर एंडोक्राइन सिस्टम है तो उसमें क्या, बोलो, बात करेंगे हार्मोन की, तो इस दुनिया में पहली बार हार्मोन टर्म किसने दी है, वो एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो स्टारलिंग ने दी है, किसने दी है, स्टारलिंग ने। तो मैंने कहा हार्मोन, हार्मोन टर्म, क्लियर, बोलो, टर्म किसने दी है, स्टारलिंग ने दी है, किसने दी है, स्टारलिंग ने, क्लियर। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है जो इस दुनिया में खोजा गया था, वो है सिक्रेटीन, कौन सा, सिक्रेटीन, जो रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और उसकी डिस्कवरी करने वाला ही बेलिस और स्टारलिंग था, और स्टारलिंग ने बाद में लेटर ऑन हार्मोन टर्म दिया। तो मैं आपको कह रहा हूँ फर्स्ट, बोलो, डिस्कवर्ड, क्लियर, हार्मोन, ओके, तो वो कौन होता है, बोलो, सिक्रेटीन, कौन होता है, बोलो, सिक्रेटीन। और आपको पता होना चाहिए सिक्रेटीन, नाम सुना होगा, सिक्रेटीन हार्मोन रिलेटेड टू विच सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने कहा कि सिक्रेटीन, ठीक है, हार्मोन, हार्मोन, ठीक है, रिलेटेड, रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके,
डाइजेस्टिव सिस्टम ओके। और मैंने कहा फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सिक्रेटिन, तो यहाँ पर लिख दूँ बाय बेलिस ठीक है एंड स्टार्लिंग ठीक है। बोलो डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग। तो ये सारी मैंने जनरल बातें बताई है जो हमें सबसे पहले स्टडी होनी पता होना चाहिए। नोट कर लोगे ओके इंटीग्रेटिव सिस्टम है ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग क्या कहलाता है इंटीग्रेटिव सिस्टम ठीक है। ओके तो ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक सबसे पहले आपको बातें बताई है ठीक है। अभी हम पहले थोड़ा बेस बनाएंगे ठीक है। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बोलो ठीक है। बात समझ में आई। अब हमारा इस टॉपिक में हार्मोन वर्ड से बोलो लेना देना होगा बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। बट एक वर्ड होता है एंजाइम। क्या होता है एंजाइम? तो हमें सबसे पहले हार्मोन और एंजाइम में बेसिकली डिफरेंस क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। क्लियर? हमें हार्मोन विटामिन में डिफरेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए बिकॉज हम इसमें तो हार्मोन पढ़ेंगे बट हम बायोलॉजी में एंजाइम भी पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी में विटामिन भी पढ़ते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हमें पहले पता होना चाहिए। देन लेटर ऑन तो हमें हार्मोन स्टडी करना है ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक बताया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा डिफरेंस बोलो बिटवीन ठीक है हार्मोन क्लियर हार्मोन एंड एंजाइम ठीक है। पहले आपको क्या बता रहा हूँ, एक तरफ मैंने कहा हार्मोन क्लियर और एक तरफ क्या कर रहा हूँ मैं बोलो एंजाइम ठीक है ओके।
तो सबसे पहला डिफरेंस इधर ध्यान देना, मैंने कहा हार्मोन जो होते हैं वो यहाँ पर अगर मैं कहूँ सिक्रेशन बोलो बाय क्लियर एंडोक्राइन 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 ग्लैंड क्लियर, और एंजाइम सिक्रेट बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहला डिफरेंस समझ में आया बोलो क्लियर। बोलो यहाँ पर मैंने कहा सिक्रेशन बाय बोलो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्लियर, तो सबसे पहली बात समझ में आई बोलो। यहाँ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का मीनिंग बिल्कुल ये नहीं है कि एंडो मतलब इनसाइड ऑफ बॉडी और एक्सो मतलब आउटसाइड ऑफ बॉडी, नहीं बोलो एक्सोक्राइन का मीनिंग होता है डक्ट इज प्रेजेंट और एंडोक्राइन मतलब डक्ट इज एब्सेंट, बोलो बात समझ में। ओके यहाँ आउटसाइड इनसाइड से कोई लेना देना नहीं है, लीवर एक्सोक्राइन है होती तो इनसाइड ऑफ बॉडी है, बात समझ में आए बोलो क्लियर। तो आपको पहली बात समझ में आए कि हार्मोन बेसिकली सिक्रेशन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड और एंजाइम सिक्रेशन बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके नंबर टू, नंबर टू क्या बात बता रहा हूँ, यहाँ पर बोलो केमिकल ठीक है नेचर ठीक है। जो हार्मोन का केमिकल नेचर होता है वो प्रोटीन भी हो सकता है बोलो, आपका स्टेरॉइड भी हो सकता है क्लियर, बोलो एमिनो एसिड भी हो सकता है बोलो एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है क्लियर। जबकि जो एंजाइम होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। दूसरा डिफरेंस समझ में आया कि एंजाइम का जो केमिकल नेचर होता है बोलो केमिकल नेचर होता है वो कैसा होता है बोलो प्रोटीन क्लियर। बोलो ये जो मैंने पॉइंट लिखकर समझ में आया कि एंजाइम बोलो केमिकली कैसे होते हैं, किसके बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं मतलब प्रोटीन, मैं प्रोटीन लिखूं या ब्रैकेट में पॉली पेप्टाइड लिखूं बात तो एक ही है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड का बोलो पॉलीमर होता है जिसमें बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और मोर देन वन एमिनो एसिड जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, और एंजाइम प्रोटीनस नेचर के होते हैं क्लियर। ओके उसके बाद तीसरी बात करें, जो हार्मोन होते हैं क्लियर वो डायरेक्टली ब्लड में आते हैं और ये वाया डक्ट क्लियर, तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ डायरेक्टली बोलो डायरेक्टली रिलीज ठीक है इन ब्लड ठीक है, बोलो क्या बोला मैंने डायरेक्टली रिलीज इन ब्लड, और इधर क्या बोलूँगा रिलीज वाया डक्ट, बोलो बात समझ में आए क्लियर। तो यहाँ पर मैं कहूँगा बोलो रिलीज बोलो वाया डक्ट, पहले बताओ शॉर्ट एंड स्वीट समझ आओगे बोलो कि जिस इसका मतलब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन है उसमें डक्ट होगी होगी, तो ये डक्ट से होकर फिर अपने बोलो काम करना होगा वहाँ पहुंचेंगे क्लियर। और चौथा डिफरेंस क्या कह सकते हैं कि जो हार्मोन होता है वो अपनी जहां पर वो बनता है उससे वो बॉडी में कहीं भी जाकर वर्क कर सकता है क्लियर, जबकि एंजाइम जनरली बोलो जहां बनते हैं वहां या उसके आसपास ही काम करते हैं। आज स्टोमक के एंजाइम स्टोमक में काम करते हैं, इंटेस्टाइन वाले एंजाइम इंटेस्टाइन में ही काम करते हैं, स्लाइवा के एंजाइम टाइलिन यही काम करता है बोलो बात समझ, जबकि हार्मोन हुआ ब्रेन में काम कर रहा है कहीं, हुआ या एंडोक्राइन में काम कर रहा है पूरी बॉडी में। तो इसका मतलब ये भी डिफरेंस है कि हार्मोन जो होते हैं अपने रिलीज प्लेस से बोलो बॉडी में कहीं भी जाके वर्क कर सकते हैं, जबकि वो बोलो जहां सीक्रेट होते हैं वहीं पर वर्क करते हैं क्लियर। तो मैंने कहा इसके लिए तो क्या बता रहा हूं कि हार्मोन जो होते हैं हार्मोन रिलीज बोलो मैंने कहा रिलीज प्लेस बोलो से अदर प्लेस क्लियर, अदर प्लेस पर जाकर ठीक है वर्क वर्क करते हैं ठीक है। ओके और इधर क्या लिखूंगा बोलो कि एंजाइम अपनी रिलीज प्लस पर ही वर्क करते हैं ठीक है, बोलो एंजाइम बोलो आपसे मैं कहूँ वर्क एट बोलो मैंने कहा रिलीज प्लेस ठीक है, बोलो आपको ये जो मैंने बताया समझ में, जिस स्थान पर रिलीज होंगे वहीं पर काम करेंगे, स्टोमक के स्टोमक में इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइन में स्लाइवा के स्लाइवा में, बात समझ में आए बोलो क्लियर। तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है, ये चार मैंने आपको बताया, अभी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बट हम बेस बना रहे हैं कि भाई हमें हारमोन स्टडी करना है तो हारमोन और एंजाइम में बेसिकली डिफरेंस किस बात का होता है क्लियर, आपको समझ में आया। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कौन सा बोलो आपका जो है स्टेटमेंट हारमोन से रिलेटेड नहीं है या हार्मोन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हमें चार प्रॉपर्टी भी पता चल गई, किसकी बोलो हार्मोन की, हार्मोन की और भी प्रॉपर्टीज होती है जो अभी अपन देखेंगे। तो पहले आपको ये कंटेंट समझ में आया, नोट करोगे
ये भी समझ में आया? बोलो, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी हम पूरा थोड़ा बेसिक देख रहे हैं। क्लियर? ओके, हो गया ये? बोलो, ऐसे अब क्या बताऊंगा? डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड विटामिन। क्लियर? ओके, हो गया ये नोट? बोलो सबका, ठीक है, हो गया नोट? बोलो, ओके। अब क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा, बोलो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, मैंने कहा, बोलो हार्मोन, ठीक है, हार्मोन एंड विटामिन। क्लियर? ओके, हार्मोन और विटामिन में डिफरेंस, ठीक है। तो एक मैंने लिखा हार्मोन, क्लियर, और एक मैं बात कर रहा हूँ विटामिन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन आवर बॉडी, जबकि विटामिन का सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता। विटामिन हमें, बोलो, फूड इंटेक के थ्रू लेना पड़ता है, ठीक है। तो इतना सा लिख दूँ, बोलो प्रोडक्शन, ठीक है, इन, बोलो आपसे मैं कहूँ इन बॉडी, क्लियर, प्रोडक्शन इन बॉडी, समझ आओगे? बोलो, और मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर नॉट, बोलो प्रोड्यूस, ठीक है, इन, बोलो मैंने कहा अवर बॉडी। क्लियर? पहला बताओ, आपको पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो कि विटामिन का सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता है। देखो, फिर आपको मैं बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, बायोलॉजी में एक्सेप्शन अपनी जगह होता है, लॉजिक अपनी जगह होता है। किसी के दिमाग में आया, नहीं सर, विटामिन डी तो हमारे स्किन से सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस होता है, वो एक्सेप्शनली है। क्लियर? हम अभी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हम लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में एक्सेप्शन जगह जगह आते हैं, एक्सेप्शन की वजह हमें हमारा कभी लॉजिक नहीं बदलना है। बोलो बात समझ में? एक्सेप्शन अपनी जगह होते हैं और लॉजिक अपना जगह होता है। क्लियर? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैंने क्या लिखा? बोलो प्रोडक्शन इन, बोलो बॉडी, और इधर क्या लिखा? नॉट प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। दूसरी बात क्या बता रहा हूँ? हार्मोन जनरली, बोलो, हमारे यूरिन से कभी पास आउट नहीं होते हैं। बोलो क्या बोल रहा हूँ? जनरली बीमार हुए, बोलो आपको हद से ज्यादा ब्लड के अंदर कोई हार्मोन है, फिर तो वो यूरिन से निकलेगा ही निकलेगा। बोलो बात, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, बोलो SCG, समझ रहे हो? बोलो आपको, मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ कि जनरली यू हार्मोन कभी यूरिन से पास आउट नहीं होते, बट विटामिन में, वाटर सोलेबल विटामिन बी और सी यूरिन से पास आउट होते हैं। बोलो बात समझ में? क्लियर? सारे नहीं होते, बट वाटर सोलेबल होते हैं। विटामिन की दो कैटेगरी होती है, एक फैट सोलेबल और एक वाटर सोलेबल। विटामिन ए डी ई के फैट सोलेबल होते हैं, बी सी वाटर सोलेबल होते हैं। विटामिन अपना अपने पूरा अपना एक टॉपिक है जो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा, बोलो हार्मोन, ठीक है, ऐसे लिख दूँ, नॉट, बोलो आपसे मैं कहूँ पास आउट, बोलो आपको मैंने कहा फ्रॉम यूरिन। क्लियर? पहले बताओ, समझ जाओगे? नॉट पास आउट फ्रॉम यूरिन। क्लियर? और इधर क्या लिख रहा हूँ मैं? बोलो वाटर सोलेबल, क्लियर, सोलेबल विटामिन, क्लियर, विटामिन, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा विटामिन, बोलो बी एंड सी, क्लियर। बोलो क्या लिख सकता हूँ मैं? बोलो पास आउट फ्रॉम, आपसे मैंने कहा यूरिन। पहले बताओ, आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया दोनों में? बोलो क्लियर कि विटामिन और हार्मोन का हमारे माइंड में क्या पिक्चर होनी चाहिए? बाकी विटामिन की अपनी दुनिया है, हार्मोन की अपनी दुनिया है, एंजाइम की अपनी दुनिया है और हार्मोन की अपनी दुनिया है। एंजाइम अपने आप में एक टॉपिक होता है, विटामिन अपने आप में एक टॉपिक होता है। हमारे बायोलॉजी में हम आगे एंजाइम भी पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे और विटामिन भी अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तो हम हार्मोन से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर? कि हार्मोन अलग है, एंजाइम अलग है, विटामिन अलग है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? नोट कर लोगे? ओके,
ये जो मैंने लाइन लिखा ध्यान रखना, ऐसा नहीं सर मेरे घर के पड़ोस में एक डायबिटीज वाला था, उसके तो यूरिन में शुगर से ही बोलो आपसे मेरे को निकल रहा है बहुत सारे बोलो। मैंने जनरली क्या होता, हार्मोन नहीं निकलते हैं, क्लियर। ओके ये भी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। बात समझ में। अब अल्टीमेटली हमें तो इस चैप्टर में किसकी बात करनी है, हार्मोन की। तो पहले क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, क्लियर कि हार्मोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये तो क्लियर नोट बोलो आपने। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ हार्मोन। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ बोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। देखो पहले सुनो, आपको मैंने कहा पहली प्रॉपर्टीज, हार्मोन एवरीडे फॉर्म होते हैं, एवरीडे वर्क करते हैं, एवरीडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब इससे मुझे दूसरी प्रॉपर्टी पता चली, हार्मोन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। मतलब आपको एवरीडे ग्लैंड हार्मोन बनाती है, हार्मोन अपने वर्क करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। मतलब हमें एवरीडे नीड होती है। इसीलिए क्या होता है, अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो गया, तो उसको जो हार्मोन होगा जो उसकी बॉडी में नहीं बन रहा है उसे एवरीडे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं 5 दिन ले लिया, अब 5 दिन आराम दे देता हूँ, गया हुआ अंदर, ऐसा नहीं होगा। बोलो आप समझे, बोलो आपकी बॉडी में नेचुरली एवरीडे हार्मोन बनते हैं, अपना काम करते हो, नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके डायग्नोस हुआ कि उस हार्मोन की आपके अंदर कमी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरीडे लेना पड़ेगा। और समझे समझे, वो डिपेंड करता है कितनी डेफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डोज डिसाइड होती है, चाहे वो इंसुलिन की हो, चाहे वो आपका TSH मतलब आपका हो बोलो थायराइड की जो टैबलेट होती है उसका हो। वो डिपेंड करता है कि 25 mg की नीड है, 50 mg की नीड है, 35 mg की नीड है, डिपेंड करता है कि आपका लेवल कितना कम है। बोलो बात समझ ना, जिसको क्या करना पड़ेगा, एवरीडे लेना पड़ेगा। बात समझ ना, हार्मोनल प्रॉब्लम जिनको होती है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसको अपनी लाइफ स्टाइल मान लो। जैसे थायराइड किसी को डायग्नोस हो गया, बात समझ, हाइपोथायराइडिज्म बोलो, आगे जाकर हम स्टडी करेंगे, किसी में डायग्नोस हो गया, क्लियर। अब डायग्नोस हो गया, वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, प्रेगनेंसी में हो रहा है बोलो बात समझ, तो वो नॉट परसिस्टेंट, वो परमानेंट नहीं है, वो हो टेम्परेरी है। बात समझ ना, कि जब प्रेगनेंसी खत्म होगी तो वापस बोलो रिजोल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उस ड्यूरेशन में आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी तो एवरीथिंग इज ओके, फिर भी बोलो हाइपोथायरिज्म डायग्नोस हो रहा है, तो फिर आपको थोड़ा लेना पड़ेगा, 1 मंथ लेकर के फिर चेक कराना पड़ेगा, फिर आपने थोड़ा एक बार डॉक्टर ड्रॉप कराता है, फिर देखता लेवल बढ़ गया, फिर आपको बोलते हैं कि अब आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। ये एक प्रोसीजर होता है, बात समझ ना। और अगर आपको लगता है कि हाइपोथायरिज्म है, जो कि जेनेटिकली जेनेटिकली भी होता है, तो फिर तो आपको टेबलेट लेनी पड़ेगी, और मस्त रहो, अपने नाश्ता का एक पार्ट बना लो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझता है, बोलो क्लियर, कि जैसे आप ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें खाते हो, रोज पहले एक वो भी डिश खानी है, क्लियर, और आपको कुछ भी नहीं होगा लाइफ लॉन्ग। बात समझ में। और हार्मोनल प्रॉब्लम को इग्नोर करने से 5 साल 10 साल कुछ नहीं होता, बट लेटर ऑन सिम्टम्स अच्छे आ बोलो खतरनाक आते हैं। बात समझ, बहुत सारे क्या क्या सोचते हैं कि मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, देखो मैं तो ले ही नहीं रहा हूँ, 1 साल कुछ नहीं हुआ, बोलो मैं 2 साल हो गया कुछ नहीं होगा, बोलो आप समझ लो, लेटर ऑन धीरे 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 फिर एक दिन ऐसे सिम्टम्स आएंगे कि उसको संभालना भारी पड़ेगा, क्लियर। और यही अगर आप जो बॉडी में नेचुरल बनना चाहिए वो नहीं बन रहा, आप बाहर से ले रहे हो, तो क्या होगा, बॉडी को तो मिलने से मतलब है, चाहे वो अंदर से मिले चाहे बाहर से मिले, आपको आपका फिजियोलॉजिकल काम होता रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए बोलो, क्लियर। ओके, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। पहली प्रॉपर्टी क्या बताया, हार्मोन एवरीडे बनते हैं, एवरीडे वर्क करते हैं, एवरीडे नष्ट हो जाते हैं। इससे मुझे दूसरी बात क्या पता चली, हार्मोन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। एक्सेप्शनली आप जानते हो कि थायरोग्लोबुलिन हार्मोन जो है इनएक्टिव फॉर्म में थायराइड ग्लैंड के अंदर स्टोर होता है, वो एक्सेप्शनली, बाकी हार्मोन कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, क्लियर। जितनी डोज आपको बोली है उतनी डोज लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बनते ही उतने जितनी नीड होती है।
मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए, बनते ही उतने जितनी नीड होती है, नीड ज़्यादा बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको अपने आप ही बढ़ा देता है। बोलो बात समझ ना, मतलब किसी के 25 mg की हार्मोन की टेबलेट चल रही है तो 25 ही लेना है, ऐसा नहीं 3 दिन ली नहीं आज एक काम करता हूँ 75 ले लेता हूँ, वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितनी भी केमिकल्स ये ड्रग्स आते हैं ऑल आर पॉइजन, क्लियर, कब जब एक्सेस में लेते हो, बात समझो ना, जितने भी आपके मेडिसिन आती है वो सब क्या है, पॉइजन है, बट पॉइजन कब है, जब उनको क्या लेते हो, एक्सेस में लेते हो, जितनी नीड है उतनी लोगे कोई दिक्कत नहीं, पैरासीटामोल की एक गोली है एक लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 खा लोगे तो इमरजेंसी है। बोलो मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने कि हार्मोन क्या होता है, एवरीडे फॉर्म, एवरीडे वर्क, एवरीडे डिस्ट्रॉय। बोलो बात समझ में। दूसरा क्या बताया, हार्मोन नॉट स्टोर इन अवर बॉडी, एक्सेप्शनली हाइरोग्लोबुलिन स्टोर इन थायराइड ग्लैंड। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ओके, तो पहला मैंने क्या बताया, हार्मोन हार्मोन एवरी डे, ठीक है, एवरी डे मैंने कहा, एवरी डे बोलो आपको मैंने कहा फॉर्म, क्लियर, एवरी डे फॉर्म, बोलो एवरी डे, ठीक है, एवरी डे वर्क, ठीक है, एंड बोलो मैंने कहा एवरी डे क्या होते हैं, बोलो डिस्ट्रॉय। पहले बताओ, पहला पॉइंट समझ में आया गया है, एवरी डे बनते हैं, एवरीडे वर्क करते हैं और एवरीडे ही नष्ट हो जाते हैं, क्लियर। तो इससे मुझे दूसरी प्रॉपर्टी क्या पता चली, हार्मोन हार्मोन बोलो नॉट स्टोर, क्लियर, इन अवर बॉडी, क्लियर। ओके, बट मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक्सेप्ट, क्लियर, क्या लिखा मैंने, बोलो थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, थायरोग्लोबुलिन बोलो ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, इनएक्टिव, क्लियर, बोलो स्टोर इन, बोलो मैंने कहा फॉलिकल्स, क्लियर, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, बोलो थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो पूरा स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, क्लियर, बात समझ में। और प्रॉपर्टी जितनी मैंने आपको अभी बताई थी कि हार्मोन जो होते हैं वो केमिकली प्रोटीन बोलो आपका स्टेरॉइड कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर, हार्मोन जो होते हैं अपने रिलीज प्लेस से बॉडी में कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, बोलो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, ये भी सब हार्मोन की प्रॉपर्टीज ही है, बोलो क्लियर, लेकिन वो हमने किसके डिफरेंस के साथ देख ली थी, बोलो एंजाइम के साथ, उनको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेरी बात समझ में। देखो ये दो प्रॉपर्टी मैंने लिखी, चार और लिख सकता हूँ, चार कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो हमने किप्स के साथ कंपेयर किया था, एंजाइम के साथ, क्या क्या किया था, वर्बली बता देता हूँ कि हार्मोन बोलो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, हार्मोन अपने रिलीज प्लेस से बॉडी में कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, हार्मोन बोलो केमिकली नेचर में प्रोटीन स्टेरॉइड एमिनो एसिड एटसेट्रा हो सकते हैं, क्लियर, वो डिपेंड करता है हार्मोन पे, क्लियर, और जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, ये भी क्या है बोलो प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन है, बोलो मेरे हिसाब से उनको लिखने की नीड नहीं है क्योंकि वो हमने एंजाइम के साथ डिफरेंस में लिख लिया था। दो प्रॉपर्टी मैंने और बताई जो आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन बॉडी में स्टोर नहीं होते और हार्मोन एवरीडे बनते हैं, एवरीडे वर्क करते हैं, एवरीडे नष्ट हो जाते हैं, बात समझ में, नोट करोगे। ओके, और जो थायरोग्लोबुलिन तो नाम सुना ही होगा, बोलो इनएक्टिव फॉर्म होती है, बोलो वो किसके अंदर स्टोर रहते हैं, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्लियर। ओके, आगे कहानी को बढ़ाएं, बोलो यहाँ तक बात समझ में आए, बोलो क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ ग्लैंड, क्या देख रहे हैं, बोलो टाइप्स ऑफ ग्लैंड, क्लियर।
अब मैंने कहा क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, बोलो टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है, अभी बेसिक ही चल रहा है। तीन तरह की ग्लैंड होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, अगर बात करें मीनिंग की और एग्जांपल की, एकदम शॉर्ट में मीनिंग लिखते हैं, ध्यान से समझो। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब डक्ट इज प्रेजेंट, एंडोक्राइन का मतलब डक्ट इज एब्सेंट, बोलो रिलीज हार्मोन, और बोलो डक्ट इज प्रेजेंट एंड रिलीज एंजाइम। क्लियर? और एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ पार्ट आर प्रेजेंट, एंडोक्राइन पार्ट इट मीन्स हार्मोन रिलीज, और एक्सोक्राइन पार्ट इट मीन्स डक्ट इज प्रेजेंट। मतलब मिक्सोक्राइन किसको बोलेंगे, जिसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होगा और एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर देखो, शॉर्ट में लिख दूँ, एक्सोक्राइन किसको कहते हैं, बोलो डक्ट, मैंने कहा प्रेजेंट, ठीक है, एंड बोलो एंजाइम, बोलो एंजाइम रिलीज, ठीक है, बोलो, और एंडोक्राइन किसको कहते हैं, जिसमें डक्ट क्या होती है, एब्सेंट, ठीक है, एंड हार्मोन, हार्मोन रिलीज, बोलो डायरेक्टली, डायरेक्टली इन ब्लड, ठीक है, ओके। और मिक्सोक्राइन किसको कहते हैं, बोलो एक्सोक्राइन, क्लियर, एक्सोक्राइन पार्ट इट मींस डक्ट, एंड मैंने कहा एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट इट मींस हार्मोन, क्लियर, बोलो मैंने कहा बहुत प्रेजेंट, ठीक है, बहुत प्रेजेंट। देखो अपना एग्जाम ऑब्जेक्टिव, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, बोलो मीनिंग क्या है वो हमें लिखना है। क्लियर? नहीं कि लंबी लंबी लाइनें लिखनी है। पहले बताओ मीनिंग समझ में आ गया? आपको कोई पूछे एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, डक्ट प्रेजेंट एंड एंजाइम रिलीज। इधर क्या बोलोगे, डक्ट एब्सेंट एंड हार्मोन रिलीज डायरेक्टली इन ब्लड। एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन बोथ प्रेजेंट, एक्सोक्राइन पार्ट क्या डक्ट, एंडोक्राइन पार्ट क्या हार्मोन। क्लियर? अब बात करते हैं एग्जांपल में, मीनिंग समझ में आ गया बोलो आपको? अगर मैं कहूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड बहुत सारी होती है, मैंने लिखा लीवर, क्लियर, मैंने लिखा स्लेवरी ग्लैंड, क्लियर, बोलो स्लेवरी ग्लैंड, ओके, ग्लैंड्स, मैंने लिखा लैक्रिमल ग्लैंड्स, क्लियर, लैक्रिमल ग्लैंड्स, ओके, बोलो मैंने यहाँ पर लिखा बोलो सीबेसियस ग्लैंड, क्लियर, बोलो सीरोमिनस ग्लैंड, बॉडी की मैक्सिमम ग्लैंड बोलो जो हार्मोन रिलीज करती है, जिनमें डक्ट होती है, वो क्या होती है, स्वेट ग्लैंड, क्लियर, ऑल आर एक्सोक्राइन, ओके। फिर मैंने कहा एंडोक्राइन की बात करूँ तो प्योर एंडोक्राइन कौन कौन सी होती, मैंने लिखा यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, क्लियर, क्या लिखा, पीनियल ग्लैंड, मैंने लिखा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर, बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, क्लियर, बोलो थायराइड ग्लैंड, ओके, पैरा थायराइड ग्लैंड, बोलो पैरा थायराइड ग्लैंड, क्लियर, इसी तरह से थाइमस ग्लैंड, क्लियर, बोलो थाइमस ग्लैंड, नाम तो सुने ही होंगे, और मैंने कहा एड्रिनल ग्लैंड, क्लियर, एड्रिनल ग्लैंड, ये जो होती है ये सिक्स को हम बोलते प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्लियर। प्योर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मिक्सोक्राइन, ऑल मिक्सोक्राइन भी क्या होंगी, बोलो एंडोक्राइन, बट ऑल एंडोक्राइन नॉट मिक्सोक्राइन, मेरी बात को समझना, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्योर, मतलब आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए निन में से कौन सी प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब समझ के ये है, क्लियर, बोलो मिक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन होती है, बट सभी एंडोक्राइन मिक्सोक्राइन नहीं होती है, क्लियर, क्योंकि इनमें भी तो हार्मोन है ना, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, मैंने लिखा सबका प्यारा पेंक्रियाज, क्लियर, बोलो क्या लिखा, पेंक्रियाज, नाम सुना बोलो, अग्नाशय, ठीक है, बोलो क्या लिखा, टेस्टीज, क्लियर, ओके, मैंने लिखा ओवेरी, क्लियर, क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो ओवेरी, अंडाशय, क्लियर, इसी तरह से बात करूँ प्लेसेंटा, क्लियर, प्लेसेंटा अपरा, क्लियर, बोलो इनमें डक्ट भी होती है और हार्मोन भी रिलीज करते हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे, मिक्सोक्राइन के,
बात समझ में आए? तो हमें इस चैप्टर में एंडोक्राइन और मेक्सोक्राइन डिटेल से स्टडी करना है, बिकॉज उसमें भी हार्मोन यानी एंडोक्राइन पार्ट है। पहले हमें क्या स्टडी करना है, ये सिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड डिटेल से, और फिर ये स्टडी करना फॉर मेक्सोक्राइन। मतलब हमारा चैप्टर बोलो अब स्टार्ट होगा जब मैं पीनियल से स्टार्ट करूंगा। अभी तो हम बेस बना रहे थे, क्लियर। अभी पहले आप ये नोट करो, मैं 8-10 स्पेशल नोट बताऊंगा कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है, क्लियर। एग्जाम में आता है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, वो सारी बातें मैं अभी आपको एज ए स्पेशल नोट लिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले ये नोट करोगे इसमें हम और भी लिख सकते थे, स्वेट ग्लैंड लिख सकते थे, मायोबियन ग्लैंड लिख सकते थे, और बोलो एंडो और मेक्सो के अलावा सारी कैसी होती है, एक्सोक्राइन होती है। स्वेट ग्लैंड जो आपका पसीना सीक्रेट करती है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसमें, क्लियर। डक्ट होती है, क्लियर। पहला बताओ ऐसे शॉर्ट में चलेगा ये जो मीनिंग लिखे मैंने, बात समझ? ओके, ओके हो गया हम नोट। अब कुछ स्पेशल नोट्स देखते हैं, ठीक है, इसमें से क्या पूछ सकते हैं लेटर ऑन। ये तो सारा डिटेल्स अपने को स्टडी करना है, ठीक है। हो गया, एक बार नोट बोलो। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो तो आप दे ही सकते हो, कौन सी प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी एग्जाम्पल हो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं पेंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, ऑल हो जाएगा, कौन मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो तो एग्जाम्पल दे सकते हो, क्लियर। उसके अलावा मैंने कहा यहाँ पर स्पेशल नोट, सबसे पहला मैंने कहा बोलो अगर कभी पूछ ले लार्जेस्ट एक्सोक्राइन, बोलो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन होती है, लीवर। कौन होता है बोलो, लीवर, क्लियर। और आपको पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, क्लियर, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन होती है बोलो, थायराइड ग्लैंड। कौन सी होती है बोलो,
थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड, जो यहाँ पर होती है, क्लियर। और मैंने कहा सबसे बड़ी एक्सोक्राइन कौन होती है? लीवर। लेकिन ना एंडो बोले ना एक्सो बोले, केवल इतना बोल दे, बोलो लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। बोलो ये भी पूछा गया है, बोलो बोलो इन अवर बॉडी, क्लियर। तब आपको क्या बताना है? लीवर, बिकॉज इन दोनों के कंपेयर में बड़ी कौन है? लीवर है। बात समझ में आई? बोलो क्लियर। उसके बाद और मैं फोर्थ पॉइंट बताऊं, आपको पूछा जाए ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो ओनली चाइल्डहुड एज तक ही एक्टिव रहती है, तो पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, क्लियर। तो मैंने कहा ओनली एक्टिव, आपसे मैं कह रहा हूँ ओनली एक्टिव चाइल्डहुड, ठीक है। मैंने कहा चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज, क्लियर, ओके। तो केवल बाल्यावस्था तक ओनली एक्टिव चाइल्डहुड स्टेज, बोलो कौन कौन सी होती है? तो आप कहोगे पीनियल ग्लैंड, बोलो एंड थाइमस ग्लैंड, क्लियर। बोलो थाइमस ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड ऐसी होती है जो केवल 12-13 साल तक ही सक्रिय रहती है, ओनली एक्टिव चाइल्डहुड स्टेज, समझ आओगे? बोलो क्लियर। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्रेन में होती है, तो आपको पता होना चाहिए पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत ग्लैंड्स कहाँ होती है? फॉर ब्रेन के डायसिप्लोन पर होती है, क्लियर। तो मैंने कहा आपको यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। बहुत आपसे मैं कहूँ आर प्रेजेंट, ठीक है, बोलो इन ब्रेन, ठीक है, दोनों मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है, क्लियर। बात समझ, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है वो तो अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे तो अपना पता चल जाएगा। एक बार पूछा जाए मस्तिष्क के अंदर कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, दो दो को जोड़े दे तो पीनियल और पिट्यूटरी, क्लियर, नोट करोगे। इसमें ये वाला बार बार एग्जाम में पूछा गया है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर इन अवर बॉडी, क्लियर, ओके। पिछले साल भी 2-4 एग्जाम में पूछा गया, पूछते ही रहते हैं, क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आई? बोलो आपको। ओके, तो ये सारा बेसिक बताया था। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, और हमारे सभी ग्लैंड्स को पढ़ने का सेम सिस्टम रहेगा कि हमें किसी भी ग्लैंड में फल है, सबसे पहले मस्त तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, पोजीशन इन अवर बॉडी, नंबर टू कौन से हार्मोन रिलीज करती है, नंबर थ्री हार्मोन के वर्क क्या है। ये तीन बातें पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद अगर किसी भी ग्लैंड से रिलेटेड कोई फैक्ट्स है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हम स्पेशल नोट में देखेंगे। यही सिस्टम हम सभी ग्लैंड का चलाएंगे। इससे क्या होता है कि जब आप कभी लेटर ऑन रिवाइज करते हो तो आपका काम आसान हो जाता है, कि आपको क्या करना होता है, माइंड के अंदर रिकॉल करना होता है कि यार ये ग्लैंड, इसकी पोजिशन दिस वन, हार्मोन दिस वन, वर्क इज दिस वन। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। मतलब यूँ चैप्टर बहुत डिटेल से हम स्टडी करेंगे, लेकिन जो 3-4 दिन में होने के बाद अगर आप चाहो तो बोलो इसको 2 घंटे के अंदर भी दिमाग में रिकॉल कर सकते हो, बट वो तभी होगा जब हमारा तरीका साइंटिफिक होगा। बात समझ में? हर एक ग्लैंड के अंदर 3 पॉइंट मेरे फिक्स होंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? पोजीशन। सेकंड क्या होगा? रिलेटेड हार्मोन। और थर्ड क्या होगा? वर्क ऑफ हार्मोन। वर्क ऑफ हार्मोन बोलूं या वर्क ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड बोलूं, बात एक ही होता है, कोई भी ग्लैंड अपना वर्क अपने हार्मोन से ही करती है। बात समझ में? इसलिए अगर कभी आपसे पूछा जाए पीनियल ग्लैंड का वर्क क्या है, या आपसे पूछा जाए मेलाटोनिन हार्मोन का वर्क क्या है, बात एक ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? बोलो कि जो ग्लैंड का वर्क होता है वो उसके हार्मोन के द्वारा होता है, क्लियर। बात
मेरी समझ में आए, बोलो आपको क्लियर। तो यहाँ पर ये तो जनरल पॉइंट नोट कर लिए बोलो आपको। अब हम पहली ग्लैंड स्टडी करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है बोलो पीनियल ग्लैंड। है छोटी लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। ओके, पीनियल ग्लैंड स्टडी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से, ठीक है। तो अब आप थोड़ा 10 मिनट सुनो इधर। मैंने कहा क्योंकि एक ग्लैंड को पढ़ेंगे पैटर्न दिमाग में फिक्स करना है, उसी पैटर्न से सारी ग्लैंड हम स्टडी करेंगे। तो पहला मेरा पॉइंट हमेशा क्या होगा बोलो, हर ग्लैंड के लिए पोजीशन, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए पीनियल ग्लैंड जो होती है वो फोर ब्रेन के डायसेपेलोन पार्ट की बोलो डोर्सल सरफेस पर होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? डोर्सल सरफेस पे। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर मुझे किस फॉर्म में ऑप्शन देता है। मुझे देता है पीनियल ग्लैंड होती है नेक में, ब्रेन में, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बैक में, तो हो गया ब्रेन में। अगर एग्जामिनर मुझे देता है पीनियल ग्लैंड होती है बोलो ब्रेन के किस पार्ट में होती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिट ब्रेन, तो फोर ब्रेन। मुझे और अंदर ऑप्शन दे कि बोलो पीनियल ग्लैंड फोर ब्रेन के किस पार्ट में होती है, तो आपको पता होना चाहिए फोर ब्रेन में तो ऑल्फैक्टरी लोब भी होता है, फोर ब्रेन में डायसेफेलोन भी होता है, फोर ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी होता है। जो आगे हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो सारे आपको वैसे ही पार्ट पता चल जाएंगे। तो उस केस में आपको क्या पता होना चाहिए, डायसेफेलोन। और एग्जामिनर होशियार बोलो, उसने क्या दे दिया कि बोलो आपको पीनियल ग्लैंड फोर ब्रेन के किस पार्ट में होती है, ऑप्शन दे दिया डोर्सल सरफेस ऑफ डायसेफेलोन, वेंट्रल सरफेस ऑफ डायसेफेलोन, बोलो लेटरल सरफेस ऑफ डायसेफेलोन। मेरी बात समझ में आए बोलो। तो आपको खाली डायसेफेलोन से भी काम नहीं बना, आपको क्या पता होना चाहिए डायसेफेलोन की बोलो कौन सी डोर्सल सरफेस पे, क्योंकि वेंट्रल पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और डोर्सल पे कौन होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, क्लियर। और जो डोर्सल सरफेस होती है उसी को एपिथैलेमस कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिथैलेमस। और जो वेंट्रल सरफेस होगी उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, क्लियर। क्या बात बताई मैंने, समझ में आए? तो हम पोजीशन एग्जैक्ट लिखेंगे ताकि वो आपको पूरा समझ में आए। अब मैंने जो बताया समझ में आया बोलो, पोजीशन क्या लिख रहा हूँ मैं आपको, मैंने कहा पीनियल ग्लैंड, ठीक है बोलो, प्रेजेंट मैंने कहा डोर्सल सरफेस ऑफ बोलो डोर्सल सरफेस ऑफ डायसेफेलोन, बोलो डायसेफेलोन ऑफ फोर ब्रेन, क्लियर। डायसेफेलोन पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। पहले बताओ मैंने जो बात बोली सारी इसमें आ गई कि नहीं आ गई, वापस ध्यान दो। मैंने लिखा पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट डोर्सल सरफेस ऑफ डायसेफेलोन पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मतलब फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट, डायसेफेलोन। डायसेफेलोन की कौन सी सरफेस, डोर्सल सरफेस। जो डोर्सल सरफेस होती है उसी को क्या कहते हैं, एपिथैलेमस। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बात समझ में आए बोलो, क्लियर। तो आपको पहला पॉइंट पोजीशन पता चली कि कहाँ पर होती है बोलो, डायसेफेलोन की डोर्सल सरफेस, जिसको हम किस कॉमन नेम से जानते हैं, एपिथैलेमस। और वेंट्रल सरफेस को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एपिथैलेमस नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन बोलो, जस्ट ए सरफेस ऑफ बोलो डायसेफेलोन। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, पहले दो तीन देखो फिर नोट करना, क्लियर बोलो। पोजिशन हमारी बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गई कि बोलो ये डायसेफेलोन अग्र मस्तिष्क के डायसेफेलोन भाग की प्रसतह पर होती है, लिखने की जरूरत नहीं, समझ के बोलो अग्र मस्तिष्क, क्लियर बोलो के डाई एन मैंने कहा सिफेलोन, सिफेलोन भाग की बोलो प्रस्ट सतह, ठीक है बोलो प्रस्ट सतह, ठीक है पर। ओके, यही लिखा मैंने ऊपर बोलो, बात समझ में। उसके बाद बात करता हूँ मैं हमेशा सेकंड पॉइंट मेरा क्या रहेगा, हार्मोन, क्लियर। तो पीनियल ग्लैंड मिलेटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करती है, कौन सा हार्मोन को बोलो, मिलेटोनिन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा मिलेटोनिन हार्मोन, क्लियर बोलो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, मिलेटोनिन हार्मोन। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा मिलेटोनिन हार्मोन, क्लियर। तो अगर आपको दो क्वेश्चन यही बन जाते हैं, मिलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट बाय विच बोलो एंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है, मिलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। फिर तीसरी बात मुझे क्या पता होनी चाहिए बोलो आपको, मैंने कहा वर्क बोलो ऑफ हार्मोन, क्लियर बोलो। पहले ये तीन बातें ही हर ग्लैंड में करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिलेटोनिन हार्मोन है वो क्या काम करता है, दो काम करता है। एक तो हमारी बॉडी, हमारी जो स्किन है उस पर मेलानिन पिगमेंट को एक्यूमुलेट रखता है,
डिफ्यूज नहीं होने देता, क्या बोल रहा हूँ बोलो, एकत्रित रखता है, क्लियर, ओके। और दूसरा काम क्या है कि मेलेटोनिन हार्मोन मतलब पीनियल ग्लैंड जो है वो लैंगिक परिपक्वता सेक्सुअल मैच्योरिटी को इनहिबिट करती है, बात समझ में। तो इसका मतलब हुआ ये चाइल्डहुड स्टेज तक ही ये ग्लैंड एक्टिव रहेगी, तभी तक इस हार्मोन का पोटेंशियल रहेगा, जब ये ग्लैंड ही इनएक्टिव हो जाएगी तो डेफिनेटली बोलो आपसे मेरे को हार्मोन भी लेवल डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ आफ्टर 13-14 ईयर्स के बाद ही क्या होता है लैंगिक परिपक्वता सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, बात समझ में है बोलो। और मैंने कहा कि ये मेलानिन पिगमेंट को एक्युमुलेट करता है, ये कैसे समझ सकते हैं, तो मेरे कहने का मतलब अक्सर आपने गांव में देखा होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो किस में देखने को मिलेगा, जो ना बहुत ज़्यादा काले हैं ना बहुत ज़्यादा गोरे हैं, जो बीच के हैं उनके अंदर बोलो थोड़ा बड़ा होता, तो बचपन में तो बहुत गोरा था, बस हम बड़ा होते होते तो काला हो गया, मतलब समझ में आया बोलो, क्लियर। क्योंकि जब तक 12-13 साल की रहेगा पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी, मेलानिन पिगमेंट को डिफ्यूज नहीं होने देगी बॉडी पर। और आपको पता है हमारी बॉडी का जो कलर होता है जो थोड़ा सा डार्केस्ट कलर होता है बोलो किसकी वजह से होता है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। इसका मतलब ये किस में ऐसा देखने को मिलेगा, होगा सबके अंदर, जिसका एकदम फेयर है उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा, जो एकदम काला है उसमें भी डिफरेंस नहीं, गेम हुए रंग में क्या होगा बोलो ऐसा देखने को मिलेगा कि यार बचपन की फोटो, बचपन में मम्मी में बहुत गोरा था, बात समझ में, ये बड़े होते होते क्या हो गया, ऐसी कहावतें हैं, बट कारण उनके साइंटिफिक है। साइंटिफिक कारण समझ में आया कि जैसे ही 12-13 साल की होगा पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हुई, एक मेलानिन पिगमेंट बॉडी पे क्या होगा, स्किन पर डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होगा थोड़े कलर को क्या कर देगा, डार्क कर देगा, बात समझ में आई मेरी आपको, कलर को क्या कर देगा, डार्क कर देगा, ओके। तो बाकी त्वचा का रंग जेनेटिकल है, त्वचा का रंग के लिए बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मैं आपको यहाँ पर हार्मोन पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए, एक इंसान की हाइट त्वचा का रंग इनके लिए क्या होता है, बोली बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, जो आपका एक मोनोजेनिक इनहेरिटेंस होती है एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है, दो नाम सुने आपने बोलो, एक होता है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, एक होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक होता है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, मेंडल ने जितने भी करेक्टर दिए थे ऑल आर कंट्रोल बाय मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, और जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है आज गेहूं का दाना है बोलो, बात समझो ना, मनुष्य की हाइट है, मनुष्य का रंग, त्वचा का रंग है, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि बोलो वो करेक्टर तभी बहुत अच्छा होता है जब उसको कंट्रोल करने वाली सारी जीने डोमिनेंट होती है, बात समझ में। तो अगर किसी इंसान की हाइट अच्छी है तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए, हाइट भी एक किसका एग्जांपल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। गेहूं के दाने होते हैं बोलो, बात समझो ना, कोई दाना तो है एकदम पिचका पिचकान, कोई फुला फुला, कोई बीच कान, और समझे समझे बोलो, तो गेहूं के दाने सारे के दाने अच्छे कब होंगे, क्योंकि बोलो किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बोलो गेहूं के दाने में ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की डिस्कवरी हुई थी, इसलिए वो तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये सारी जेनेटिक्स में हम बातें करते हैं, अभी मैंने बोलो यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि मैंने क्या कहा, अभी मैं हार्मोन पॉइंट ऑफ से स्किन के कलर को बता रहा हूँ, बोलो बात समझ में। जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ से हम अलग तरीके से समझते हैं, जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ से हम क्या कहते हैं, स्किन ऑफ कलर बोलो इज ए एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वो जेनेटिक पॉइंट ऑफ से, और अभी जो मैं बता रहा हूँ वो हार्मोन पॉइंट ऑफ से, मेरी बात समझ में आए बोलो, अलग अलग व्यू होते हैं। अभी हम मेलेटोनिन की बात कर रहे हैं तो मेलेटोनिन से रिलेटेड बातें हम कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आई नहीं आई बोलो, क्लियर, ओके इधर आ जाओ। तो मैंने कहा वर्क ऑफ हार्मोन, दो वर्क मैंने बताया, ये है क्या करता है बोलो स्किन पर, बोलो मैंने कहा मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट, क्लियर, मेलानिन पिगमेंट बोलो को एक्यूमुलेट करता है, मतलब एकत्रित बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ करता है, ठीक है बोलो, डिफ्यूज नहीं होने देता है, मेरी बात समझ में। जैसे सपोज दैट ये आपकी स्किन है, क्लियर, तो ये क्या करेगा, मेलानिन पिगमेंट को ऐसे एक्यूमुलेट रखेगा, क्लियर, मेरी बात को समझना, क्लियर, ओके। और जब पीनियल ग्लैंड बोलो क्या हो जाएगी बोलो इनएक्टिव, ठीक है, तो बोलो ये मेलानिन पिगमेंट आपके बोलो स्किन पे क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। आपको जो मैं वर्ड समझा रहा हूँ उसका मतलब समझे कि नहीं समझे, ये तो हुआ एक्यूमुलेट और ये हुआ डिफ्यूज, ये कब होगा, ये कब होगा, आफ्टर चाइल्डहुड हेड स्टेज, या मैं बोलूँ आफ्टर इनएक्टिव पीनियल ग्लैंड,
आपको ये पहला फंक्शन समझ में आया कि ये क्या करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट ऑन स्किन, क्लियर। और दूसरा काम क्या करता है बोलो, ये है मैंने कहा बोलो सेक्सुअल मैच्योरिटी, क्लियर बोलो मैच्योरिटी, क्लियर ओके। मैंने कहा लैंगिक परिपक्वता, क्लियर बोलो लैंगिक परिपक्वता, क्लियर बोलो। लाता है कि इनिबिट करता है परिपक्वता बोलो को, क्या करता है इनिबिट करता है, क्लियर क्या करता है इनहिबिट, क्लियर इनहिबिट मतलब संदमित बोलो करता है, ठीक है बात समझ में आई। तो इसका मतलब जब पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव होगी तभी लैंगिक सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, बात समझ में आई, आफ्टर 13-14 ईयर्स, क्लियर। तो ये दोनों फंक्शन पीनियल ग्लैंड के मान लो, दोनों फंक्शन मिलेटिनिन हार्मोन के मान लो, बात एक ही है बिकॉज कोई भी ग्लैंड का वर्क उसके हार्मोन का ही वर्क होता है। तो इसलिए कभी पीनियल ग्लैंड का कौन सा वर्क है पूछे वही बात है, मिलेटोनिन हार्मोन का कौन सा वर्क है पूछे वही एक ही बात है, बात समझ में बोलो क्लियर। तो आपको एक बार तीन बातें बताई, हर एक ग्लैंड के अंदर हमें तीन पहले सबसे पहले स्टडी करना है, नंबर वन पोजिशन, नंबर टू हार्मोन, नंबर थ्री फंक्शन ऑफ या वर्क ऑफ हार्मोन। देन हमें स्पेशल नोट में उसकी जितनी भी फैक्ट्स है जितनी भी बातें हैं जो मैं अभी आपको पीनियल ग्लैंड की बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं वो सारी मैं आपको समझाऊंगा, चाहे वो बायोलॉजिकल क्लॉक हो, चाहे वो कॉमा सेप हो, चाहे वो सेंड ऑफ ब्रेन हो, जितने भी फैक्ट्स है पीनियल ग्लैंड के जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम स्पेशल नोट में लिखेंगे, क्लियर। तो एक बार आप तीन पॉइंट नोट कर लो, सॉरी। डोर्सल सरफेस को क्या बोलते हैं एपिथैलेमस, क्लियर, और वेंट्रल सरफेस को क्या बोलेंगे हाइपोथैलेमस। दोनों पॉइंट नोट किए बोलो, क्लियर। हार्मोन नेम इज मिलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। इनिबिशन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, क्लियर। ओके तो ये तो हमें तीन पॉइंट हर एक ग्लैंड में टिप्स पे होने चाहिए, बोलो पोजीशन, हार्मोन एंड वर्क, क्लियर बोलो। किसी ग्लैंड के मोर देन वन हार्मोन भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उन हार्मोन के इंडिविजुअल वर्क की हम जानेंगे, क्लियर। तो एक बार आपने तीन पॉइंट स्टडी किए बोलो, ओके
अब मैं क्या बता रहा हूँ, जितनी भी बातें पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है, फैक्ट्स है, बोलो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो स्पेशल नोट में देख रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, पहले तीन चार पॉइंट समझना, फिर नोट करना, फिर और। नंबर वन, पहला पॉइंट क्लियर, आपको क्या पता होना चाहिए कि जो पीनियल ग्लैंड होती है वो कोमा सेप होती है। कैसी होती? कोमा सेप, मतलब कोमा जैसी होती है, क्लियर। तो मैंने कहा, बोलो पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, बोलो मैंने कहा क्या होती है, बोलो कोमा सेप, क्लियर। ये भी बात आरपीएससी में एक बार पूछी गई है, क्लियर। किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, अभी सारे फैक्ट बताने के बाद दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो बहुत बार एग्जाम में आए हैं, क्लियर। तो अभी पहले आप पॉइंट देखो, बाद में नोट करना। पहला पॉइंट समझ में आया, सेप ऑफ पीनियल ग्लैंड कोमा सेप, क्लियर। पीनियल ग्लैंड कैसी होती? कोमा सेप होती है, ओके। दूसरा, मैंने आपसे कहा इन एक्टिव, क्लियर, बोलो आफ्टर, मैंने कहा चाइल्डहुड स्टेज, क्लियर, ओके। बोलो दूसरा पॉइंट समझ में आया, इनएक्टिव आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज, क्लियर। तो होता क्या है, मैंने कहा आफ्टर, बोलो चाइल्डहुड स्टेज, क्लियर। आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज क्या हो जाता है कि बोलो मैंने कहा कैल्शियम, क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर, कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, क्लियर, कैल्शियम फॉस्फेट, ओके, फॉस्फेट, बोलो आपको मैंने कहा डिपॉजिट ऑन पीनियल ग्लैंड, ठीक है, डिपॉजिट ऑन पीनियल ग्लैंड, ठीक है, बोलो पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड पर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, क्लियर, कैल्शियम फॉस्फेट मतलब यहाँ पर लिखूँ तो Ca3PO4H2, क्लियर, का क्या हो जाता है, डिपोजिशन, बोलो इसलिए हम पीनियल ग्लैंड को बाद में सेंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत कहते हैं, क्लियर। तो आपको मैंने ये बताया, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सो पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, बोलो ऑल्सो नॉन एज, बोलो पीनियल ग्लैंड मैंने कहा, बोलो को क्या कह सकता हूँ, बोलो सैंड ऑफ ब्रेन, ठीक है, बोलो सैंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत, क्लियर, बोलो मस्तिष्क, बोलो की रेत, ठीक है, रेत, बोलो बी कहते हैं, ठीक है, बोलो आपको मेरी ये बात समझ में आई, बोलो कि आपको पूछा जाए कि कौन सी ग्लैंड सैंड ऑफ ब्रेन के नाम से जाना जाता है, तो डेफिनेटली ऑप्शन पिट्यूटरी भी होगा, पीनियल भी होगा, बोलो थाइमस भी होगा और थायराइड भी होगा। थाइमस थायराइड तो टिक करने वाला या बोलो अजीब और गरीब पर्सन होगा, बोलो बात समझ में, क्योंकि आपको ब्रेन में पूछा तो ब्रेन में दो ही है, एक पीनियल और एक पिट्यूटरी, तो सैंड ऑफ ब्रेन के नाम से कौन सी जानी जाती है, पीनियल ग्लैंड, क्योंकि आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज पे क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, क्लियर, ओके, उनका डिपोजिशन हो जाता है, जिसे पीनियल ग्लैंड बोलो ऑल्सो नॉन एज सेंड ऑफ ब्रेन। ये पॉइंट समझ में आया बोलो आपको, ओके। तो पहले तीन फैक्ट नोट करो, फिर आगे बता दो। ये समझ के बोलो, सो पीनियल ग्लैंड ऑल्सो नॉन एज सेंड ऑफ ब्रेन, क्लियर, ऑल्सो नॉन एज सेंड ऑफ ब्रेन, ठीक है।
तीन बातें समझ में आई बोलो, और बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी बातें जो एग्जाम में पूछते हैं इससे रिलेटेड। ओके बताओ, मैं आपको बोला आगे, ठीक है? इधर देखो, नंबर फोर्थ, अब वापस समझना। मैंने कहा पीनियल ग्लैंड, ठीक है, फोटोसेंसिटिव, क्लियर, प्रकाश के प्रति संवेदी, ठीक है, प्रकाश के प्रति संवेदी, ठीक है, होती है। ओके, नंबर टू मैंने कहा, नंबर नेक्स्ट, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, जैविक घड़ी, बोलो जैविक घड़ी, ठीक है, से रिलेटेड होती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका रिलेशन या जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित होती है। अब ऐसा क्यों कहा गया, इधर ध्यान से समझना, बोलो बचपन से हमने ये पढ़ा है। बोलो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर बोलो पीनियल ग्लैंड जो होती है, ये पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, बोलो पीनियल ग्लैंड। मैंने कहा जब रात को बोलो 12 बजती है, एग्जैक्ट 12 AM, बात समझना, 12 AM पे क्या होती है, हाई एक्टिव होती है, क्लियर, बोलो 12 AM पर हाई एक्टिव होती है। यहाँ पर ये कहाँ हुआ, बोलो रात में, ठीक है, बोलो रात में, मतलब मैंने कहा आपको नाइट, ठीक है, बोलो पीनियल ग्लैंड जब 12 PM होता है, 12 PM के समय क्या होती है, लो एक्टिव होती है, क्लियर, और ये कब होता है, दिन में, या मैं कह सकता हूँ आफ्टरनून, क्लियर, बोलो दिन में मतलब आफ्टरनून, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई ग्लैंड है जो 12 AM पर हाईली एक्टिव होती है, 12 PM पर लो एक्टिव होती है, इसका मतलब तो ये किससे रिलेटेड हो गई, बायोलॉजिकल क्लॉक से। बायोलॉजिकल क्लॉक होता क्या है, यही होता है, बोलो बात समझ में, मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीनियल ग्लैंड कब ज़्यादा एक्टिव होती है, कब कम एक्टिव होती है, बोलो कब ज़्यादा एक्टिव होती है, बोलो 12 AM पर, 12 AM का मतलब रात को जब 12 बजती है, और कब लो एक्टिव होती है, जब दिन में 12 PM पर, बात समझ, दिन में। तो इसका मतलब यही तो हमारा क्या है, बोलो बायोलॉजिकल क्लॉक, बात समझ में आई, बोलो क्लियर, तो ये वाली बात समझ में आई, बोलो ओके। उसके बाद और बात बताऊं तो इसका मतलब क्या पता चला, पीनियल ग्लैंड फोटोसेंसिटिव होती है, बोलो उसको डार्क ज़्यादा पसंद है कि लाइट ज़्यादा पसंद है, डार्क, बोलो बात समझ में। तो ये मैंने कहा इस समय क्या होता है, डार्क, क्लियर, और इस समय क्या होता है, लाइट, नेचुरल लाइट होती है, बोलो इधर नेचुरल अंधेरा होता है, क्लियर। तो इसका मतलब पीनियल ग्लैंड कब ज़्यादा एक्टिव होती है, जब अंधेरा होता है, और पीनियल ग्लैंड कब ज़्यादा कम एक्टिव होती है, जब रोशनी प्रकाश होता है, क्लियर। तो इसका मतलब ये लाइट के प्रति क्या होती है, सेंसिटिव होती है, बात समझ में आए, बोलो क्लियर। और जिसमें बायोलॉजिकल क्लॉक बिगाड़ दोगे तो उनमें पीनियल ग्लैंड जल्दी एक्टिव हो जाएगी, क्या बोल रहा हूँ, बोलो देखो क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 100 बच्चों को लिया गया, 100 बच्चे जिनकी एज उम्र है 9 साल की, कितनी है, 9 से 10 साल की, क्लियर। तो उन 50 बच्चों को तो क्या रखा गया, नेचुरल, जैसे दिन में खेलते रात को सोते, दिन में खेलते रात को सोते, और 50 बच्चों को क्या कर दिया, बंद कमरे में बंद कर दिया, बात समझ में आए, बोलो, जिनमें उनका पता ही नहीं है कब सनलाइट हो रही है, कब बोलो रात हो रही है, मेरी बात समझ, आपको मैं पकड़ के सपोदेट किसी कमरे में कोठरी में डाल दूं जहाँ पर ना तो सनलाइट आ रही है, बोलो आपको पता ही नहीं है थोड़े दिनों में दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, बोलो बस सीधा आपको खाना पकड़ाया जा रहा है, बात समझ में। तो बताओ क्या होगा, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होगा, बिगड़ जाएगा, अरे समझे समझे। और नेचुरली अपने को बायोलॉजिकल क्लॉक कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए, मतलब हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है कि हमें दिन में बोलो काम करना चाहिए और रात को सोना चाहिए, जो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ते हैं, नेचुरल है उसकी बॉडी के अंदर बोलो बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगती है, मेरी बात समझे समझे, बोलो क्लियर। क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारी हार्मोन, हमारी बॉडी, हमारा ग्लैंड, हमारी फिजियोलॉजिकल सारे प्रोसेस जो है वो
बोलो अकॉर्डिंग टू, बोलो उस टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, क्लियर, कि हमें दिन में कब क्या, और रात को हमारा, आपने देखा होगा रात को हमारा जो सारे सिस्टम स्लो पड़ जाते हैं, और समझे समझे बोलो क्लियर, दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि दिन में हम ज़्यादा पानी पीते हैं। मुझे नहीं लगता कोई रात को नली लगा के सोता होगा, थोड़ी थोड़ी देर में पानी खींच लेता होगा, ऐसा नहीं है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बोलो बायोलॉजिकल क्लॉक को ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहिए। हाँ, आप स्टडी कर रहे हो तब हो सकता है कि आप अपनी नींद को कम करके 5-6 घंटे सो रहे हो, लेकिन लेटर ऑन अपनी लाइफ के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक को नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमारा सब कुछ ब्रेन जो है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। आपने इतने बड़े हो गए ये देखा होगा कि जब आप 10 दिन सपोज दैट 7 o'clock उठते हो तो 11वें दिन आपकी जब आंखें खुलेगी एग्जैक्ट 7 o'clock ही हो रखा होगा। बोलो या तो 2-5 मिनट ऊपर या 2-5 मिनट नीचे। तो आप सोचो हमारा ब्रेन कैसा है, बोलो बात समझ ना, कि आपका जैसे ही आपने 5-7-10 दिन वैसा कर लिया आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। बोलो ऐसा सबने फील किया होगा कि नेचुरली नींद खुल जाएगी, बात समझ रहे ना। ओके, तो ये पीनियल ग्लैंड का समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। तो पहले ये 2 नोट करो और बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि किस ग्लैंड का रिलेशन बायोलॉजिकल क्लॉक से होता है, तो किसका होता है, पीनियल ग्लैंड का, ठीक है। आगे बताओ मैं, और ये आया समझ, बोलो क्लियर। अभी सबको मिला के 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब क्या बता रहा हूँ, नंबर मैंने कहा 6, क्लियर। देखो पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई ऑफ आपसे मेरे को ह्यूमन, ठीक है। बोलो मनुष्य की तीसरी आंख, मनुष्य की बोलो तीसरी आंख, ठीक है, तीसरी आंख। ओके, बोलो क्या माना जाता है, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, पीनियल ग्लैंड को क्या माना जाता है, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, क्लियर। मेरी बात को समझना, मनुष्य की क्या मानते हैं, तीसरी आंख, क्यों समझना, ठीक है। इसके लिए 7 पॉइंट लिख रहा हूँ, मैंने कहा पीनियल ग्लैंड, बोलो पीनियल ग्लैंड, ठीक है। बोलो आपको मैंने बताया था कि सेक्सुअल, क्लियर, बोलो मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी को क्या करती है, बोलो इनहिबिट, क्लियर, इनहिबिट करती है। तो अब आप इन दोनों का कनेक्शन करो, आपको चीज़ समझ में आएगी। क्या बोल रहा हूँ समझना, कि जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी तब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आएगी, क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ जैसे ही पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हुई आफ्टर 12-13 ईयर चाइल्डहुड स्टेज के बाद, तो पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हुई नहीं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आई नहीं, गड़बड़ियाँ चालू हुई, मतलब जब तक तीसरी आँख खुली थी तब तक कुछ नहीं हुआ, जैसे तीसरी आँख बंद हुई तब गड़बड़ियाँ चालू हो गई। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो एक बार वापस बताऊँ, समझ में आ गया, वापस बताओ, वापस समझो। मैंने कहा इसको क्या बोला, मनुष्य की तीसरी आँख, ये जब तक खुली है, खुली है मतलब जब तक एक्टिव है तब तक क्या नहीं होगा, बोलो गड़बड़िया, क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होगी। जैसे पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हुई, जैसे मनुष्य की तीसरी आँख बंद हुई, और जैसे समझो सेक्सुअल मैच्योरिटी आई, गड़बड़िया चालू हो जाएगी, बात समझ में आए। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन। आई मेरी बात समझ में, नोट करोगे।
और पीनियल ग्लैंड ठीक है के इनएक्टिव होने पर लैंगिक परिपक्वता ठीक है बोलो सेक्सुअल मैच्योरिटी क्लियर बोलो आती है ठीक है। मेरी बात समझ में आई? पीनियल ग्लैंड को क्या बोला? थर्ड आई ऑफ वूमन। बोलो कब तक वो थर्ड आई है? जब तक एक्टिव है। जैसे ही एक्टिव इनएक्टिव हो गई थर्ड आई क्या हो गई? बंद हो गई। अरे समझे समझे फैक्ट्स है जो हमें पता होने चाहिए। क्लियर ओके। और बताऊं यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो आपको ठीक है। हर ग्लैंड का हमें पता होना चाहिए कि वो ओरिजिन में कैसी है। एक्टोडर्मल है कि एंडोडर्मल है कि मेजोडर्मल है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप पीनियल ग्लैंड का तो फंडा आपको दिमाग में वैसे ही होना चाहिए कि हमारा ये जो ब्रेन है इसमें हर एक स्ट्रक्चर ओरिजिन में एक्टोडर्मल होती है। क्या होती है? एक्टोडर्मल। मतलब पीनियल ग्लैंड कैसी होगी ओरिजिन में? एक्टोडर्मल। आगे मैं पिट्यूटरी भी पढ़ाऊंगा क्या होगी? एक्टोडर्मल। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। इस ब्रेन में जो भी चीज है वो ओरिजिन में कैसी है? एक्टोडर्मल। और पीनियल एंड पिट्यूटरी बोथ आर प्रेजेंट इन ब्रेन। तो बोलो पीनियल ग्लैंड ओरिजिन में कैसी होगी? एक्टोडर्मल। आगे लेटर ऑन पिट्यूटरी भी कैसी होगी? एक्टोडर्मल। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। तो यहाँ पर नंबर 8 पॉइंट क्लियर क्या लिखेंगे? बोलो मैंने कहा पीनियल पीनियल ग्लैंड ठीक है पीनियल ग्लैंड बोलो पीनियल ठीक है क्या लिख रहा हूँ? बोलो पीनियल ग्लैंड ठीक है ओरिजन में एक्टोडर्मल होती है ठीक है। पीनियल ग्लैंड एक्टोडर्मल इन ओरिजन। एक्टोडर्मल इन ओरिजन क्लियर। बोलो उत्पत्ति में बोलो कैसी होती है? एक्टो डर्मल। क्लियर कैसी होती है उत्पत्ति में? एक्टोडर्मल ठीक है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर ओके। पीनियल ग्लैंड बहुत छोटी होती है 7-8 मिलीमीटर की होती है। रंग इसका वाइट होता है। बोलो वजन इसका 150 ग्राम के आसपास होता है। बट ये फैक्ट्स आपके कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात को समझना। पीनियल ग्लैंड बहुत छोटी होती है 7-8 मिलीमीटर साइज की होती है। कलर इसका सफ़ेद वाइट होता है और जो वजन होता है इसका लगभग 150 ग्राम के आसपास होता है। लेकिन ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। क्लियर तो वो फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं। अब आपको मैंने ये बताया देखो 2 बार RPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है ऐसा। एक बार पूछा पीनियल ग्लैंड ठीक है बोलो ग्लैंड बोलो के लिए पीनियल ग्लैंड बोलो होती है ठीक है होती है। पहला ऑप्शन कोमा सेप क्लियर एग्जैक्ट जैसे एग्जाम में पूछे गए थे। बोलो थर्ड आई क्लियर बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक है बायोलॉजिकल क्लॉक और एक दे दिया ऑल। तो आपको पता चला इफेक्ट कैसे काम आता है? बोलो बात समझ में। आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑल। ऐसे ही एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्लियर कि पीनियल ग्लैंड ठीक है पीनियल ग्लैंड के लिए रॉन्ग ठीक है बोलो स्टेटमेंट क्लियर रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है गलत कथन। बोलो आपका गलत कथन ठीक है बोलो कथन है ठीक है। क्या बोला? पीनियल ग्लैंड के लिए क्या पूछा? रॉन्ग स्टेटमेंट है ठीक है। तो जैसे पहला पॉइंट दिया आपको यह ब्रेन ठीक है में स्थित होती है क्लियर ओके। दूसरा यह बोलो लैंगिक परिपक्वता ठीक है
परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है, को लाती है, ठीक है। तीसरा है, ये है बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड होती है, किससे संबंधित होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक से। और चौथा दे दिया, बोलो नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब अगर आपने थोड़ा सा भी सही नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, बात समझ में। क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ए के बी के सी के डी, बोलो क्या होगा, डी के बी। चलो ऑडियंस बोल लेते हैं, ऑडियंस बोल लेते हैं, ए वाला किसी का, बी वाला किसी का, सी वाला किसी का, डी वाला किसी का। ओके, देखो अपना ओपिनियन देना जरूरी है, बात समझ रहे हो ना। ओके वापस पूछ रहा हूँ मैं, ए किसी का, बी किसी का, सी, डी, ठीक है। अब आप इधर समझना, क्वेश्चन है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये ब्रेन में स्थित होती सही बात है, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को लाती है कि इनिबिट करती है, इनिबिट करती है, रॉन्ग स्टेटमेंट तो यही हो गया। बट होता है क्या, हम जल्दबाजी में लैंगिक परिपक्वता पूरा कौन पढ़े, बायोलॉजिकल क्लॉक, मैं आपको मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा ही होता है कि हम क्या करते हैं, पूरी लाइनें पढ़ते ही नहीं है, बात समझ ना। तो एग्जामिनर तो उनसे आ रहा है, बोलो पूरी लाइनें नहीं पढ़ते तो नन ऑफ दीज, मतलब समझ गए, आपको लगा कि तीनों क्या है, करेक्ट है, तीनों क्या है, करेक्ट है, बात समझ। जबकि क्वेश्चन क्या है, समझ में आया बोलो, सेक्सुअल मैच्योरिटी लाती है कि रोकती है, रोकती है, इनिबिट करती है, संयमित करती है, क्लियर। और यहाँ पर क्या लिखा, लाती है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। और जो सी कर रहे हैं, अरे भाई सी तो सही है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड होती है। मैंने बोलो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्वेश्चन समझना पड़ता। देखो बायोलॉजी में थोड़ी वही होती है, जब आपको फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चंस और ऑप्शन थोड़े अच्छे मिलेंगे, बोलो मैं भी टेस्ट में इसी बातों का ध्यान रखूंगा कि मैं आपको पेपर जब दूं तो लेवल आपका फर्स्ट ग्रेड का होना चाहिए। बोलो मतलब, लेवल का मतलब है कि ऑप्शंस आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लगने चाहिए, क्लियर। ओके नोट कर लोगे दोनों क्वेश्चन, ये वाला तो नोट कर लिया था बोलो आपने, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आरपीएससी के ही करवाए मैंने, नोट कर लो ये। जो एग्जाम में गलतियां होती है वो यहाँ कर लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी बार टेस्ट दे दे के वो गलतियाँ यहाँ कर लो, 100% आपकी एग्जाम में गलती नहीं होगी, क्लियर। और जो गलतियाँ मतलब यहाँ टेस्ट नहीं देता है या बोलो अपनी गलतियों को नहीं दूर करता, वहाँ एग्जाम में होगा ही होगा गलतियाँ, बात समझ रहे ना, मतलब नहीं गलती होगी ऐसा होगा नहीं, लेकिन कम होगी, अरे समझे समझे। और जो कम मिस्टेक करके आता वो सेलेक्ट हो जाता है, मतलब सिर्फ मिस्टेक बोलो कोई 50 करता है, कोई 2 करता है, 2 चलेगी बट 50 नहीं चलेगी, आप समझ रहे हो ना बोलो, क्लियर। तो अपन बोलो हर सैटरडे सैटरडे छोड़ के टेस्ट जो अपना रहेगा वो इसीलिए कि टेस्ट से क्या होता है, एक आपको पता चलता है कि वास्तव में जब मेरे पास 100 क्वेश्चन आते हैं तो मैं एक माइंड सेट करके सारे क्वेश्चंस कर पाता हूँ, ओएमआर भरता हूँ, कितना टाइम लगता है मुझे, वो सारी चीज़ें, खाली पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने आपसे कहा ना, ये सारे पार्ट जो होते हैं वो सब आपके क्लियर होने चाहिए, टेस्ट देना, टेस्ट के समय माइंड को सेट रखना, अच्छे से ओएमआर सीट को भरना, जो 5 ए बी सी डी ई का खेल खेलना, अब तो आपको ई 5 ऑप्शन मिलेंगे बोलो, क्लियर, जिसमें आपको नहीं आता उसको पांचवा भरना, अगर छोड़ दिया तो वो क्वेश्चन ही आपका बोलो माना नहीं जाएगा, बात समझ रहे ना। ओके तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो, अब यहाँ तो क्या मैंने 2-3 बार मौका दे दिया, बताओ कौन सा सही है, तो क्या होता है आप संभल जाते हो, वहाँ एग्जाम में संभलवाना आपको खुद को ही संभलना पड़ेगा, समझे समझे बोलो, क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में, आपका पहले ही से ही क्वेश्चन को सही से पढ़ना, एक एक ऑप्शन को देखना और समझना आना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि खाली इतना से वर्ड से मीनिंग बदल जाता है, बात समझ ना? ठीक है, मेरी बात समझ में आए? तो आज हमने एक ग्लैंड पढ़ा और बेसिक पढ़ा, समझ में आया? बोलो कलम क्या पढ़ेंगे? पिट्यूटरी। और इसी पैटर्न से सारी ग्लैंड हम स्टडी करेंगे। ओके।